एक दिन की बात है, डोगेश के घर उसके कुछ हराम के चोमदे दोस्त आए थे ग्रुप स्टडी करने। डोगेश ने बोला, आ गए तुम लोग, मामदर चोदो को मिल गया टाइम। भूम सीडी के तुम लोग को 2 बजे बुलाया था और तुम लोग 4 बजे आते हो, क्या करते हो घर में? डोगेश के दोस्त ने बोला, लड़कियों को मैसेज करते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देती। चलो छोड़ो, एक प्रश्न का जवाब दो, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? डोगेश के दोस्त ने बोला, रिया तो बोल रही थी कि उसका पीरियड कल से शुरू हुआ है। अरे मामदर चोदो, मैं उस पीरियड की बात नहीं कर रहा। चलो ये बताओ, अगर मैं पैदल यहाँ से 4 किलोमीटर सीधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा? डोगेश के दोस्त ने उत्तर दिया, अजी गांड मराओ, तुम ऑटो नहीं ले सकते क्या? पैदल जाना जरूरी है भोसड़ी के। अरे मामदर चोदो, मैंने मैथमेटिक्स का सवाल पूछा था। तभी डोगेश के पापा आते हैं और डोगेश से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे फोन में किशोर कुमार के गाने हैं क्या? डोगेश ने बोला, पापा मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया है, पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करता है चाद महमूद। बेटा तुम लोग के फोन में है क्या? हाँ अंकल, रुको मैं अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है बेटा कर दो। कुछ देर बाद डोगेश के दोस्त ने बोला, मुझे मूतने जाना है, रुको मैं अभी आता हूँ बाथरूम से। बाथरूम गया हूँ तो एक बार मूट मार लेता हूँ मस्त पोर्न देख के। बेटा गाने में नॉटी अमेरिका क्यों बोल रहा है? कोई इंग्लिश गाना है क्या? और लड़की ने प्लम्बर को क्यों बुलाया है? और अब गला दबाने का आवाज क्यों आ रहा है? अब लड़की वो ये क्यों बोल रही है? तभी डोगेश ने बोला, लगता है अब हमारे लोमड्डे लगने वाले है, भागो मामदर चोदो मेरे घर से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।